पता नहीं क्या बात कर रहे थे यार तुम लोग आधे घंटे अभी, जब मैं वहाँ ध्यान कर रहा था कड़क बातें की जा रही है। बैठो शांति से 10 मिनट। मत बोलो फालतू यार, बोलना बंद कर दो। जब बोलो तो 10 लोग सदमे में आ जाए, बाकी प्यार से बोल। और भैया और चाचा कैसे हैं? ठीक है बढ़िया। आपने ऑटो वाले से कहा खाली? उसने कहा नहीं खाली। बोले भैया गलती हो गई भैया, आप आगे चले। आप उससे भड़ गए, कैसे नहीं खाली? उसने 2 चाटा मार दिया, कैरियर खत्म आपका। तुम किससे दोस्ती करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम किससे दुश्मनी करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम जिससे दुश्मनी करते हो तुम्हारी औकात उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। कहते ना, इफ यू वॉन्ट टू नो अ पर्सन नो हिज फ्रेंड्स, इफ यू वॉन्ट टू नो द स्टेटस ऑफ अ पर्सन नो हिज एनिमीज। मैंने कहा तुम्हारा दुश्मन कौन? तुमने कहा मोदी। तो तुम बहुत बड़े आदमी हो। मैंने कहा नीरव मोदी? तुमने कहा नहीं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर मोदी। मेरा हिंदुस्तान में बस एक ही दुश्मन। तुम बहुत बड़े आदमी हो। तुम कह रहे हो कि ये कोचिंग वाले मेरे दुश्मन हैं, ये लोग हमसे ज्यादा पैसे ले लिए, हम इनसे बदला लेंगे। गए तुम, खत्म। अगर आदमी की औकात जाननी है ना, उसके दुश्मन को जान जाओ कि ये दुश्मनी किससे करता है। सबसे नहीं करना है, कुछ लोग परेशान करेंगे बीच में, कोई बात नहीं, वेट करो। तुम डार्कनेस का मजा ही नहीं लेना चाहते। तुम डार्कनेस से भागते हो, अंधेरा हो गया बैठे रहो अंधेरे में, किसी को चाटा मार दो, किसी कपड़ा खींच लो। मान लो सिनेमा हॉल में बैठे हो, लाइट चली गई, मारो भड़क से नीचे से निकल लो। तुम अंधेरे में डर जाते हो क्योंकि तुम्हें बचपन में बताया गया है कि अपने बच्चों के साथ ये मत करना, जब अंधेरा हो उनसे कहना मजा लो, डरावनी आवाजें निकालो। तुम सिर्फ लाइट का मजा लेना चाहते हो। यू वॉन्ट ऑलवेज टू बी इन लाइट, सो यू आर बेसिकली वीक फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज स्ट्रांग पीपल दे एंजॉय डार्कनेस। कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर बैठे हैं, उल्टी सीधी आवाज निकाल ले, पगल वाला भी होश हो गया, तो कपड़ा उतार ले गए। गांव में रूमर उड़ा दिए गए, वो है भैया, वो जिंदा है भैया। तुमको मजा लेना है डार्कनेस का, लाइट का कोई मजा नहीं। लाइफ इज अ वेरी गुड ब्लेंड ऑफ पैराडॉक्सेस। काहे दिमाग रखे हो? अगर तुमको लगता है कि नहीं लग रहा है तो जंगल उंगल चले जाओ, और अगर अगल बगल वालों में लगा रहे हो तो शीशे के सामने खड़े होकर तमाचा मारो ग्रुप ने आपको। इफ द पीपल अराउंड यू आर एबल टू गिव टेंशन टू यू, यू आर अ यूजलेस पर्सन। तुम उनके लिए टेंशन होने चाहिए। जो लोग आपके साथ रहते हैं ना, अगर वो आपको टेंशन दे देते हैं और आप ले लेते हैं तो बेकार है आपका जीना। मेरे पास तो सिर्फ धरती के प्राणी तो रहते, मार्स के लोग रहते हैं, एलियंस रहते हैं मेरे साथ। ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, हो गया, हो गया। मैं भी कभी तो बहुत बुरा हुआ, तो गलत बात है। तुम्हें भी टेंशन में डूबना है, हम सीरियस होकर बैठ जाना कि अच्छा मार डालेंगे। यू डोंट हैव टू अपोज एवरीवन इन योर लाइफ, सपोर्ट करो यार। कोई आदमी कह रहा है कि हेलमेट व्हाइट है, उनको प्योर व्हाइट है भैया, प्योर व्हाइट। और जो कहे काला है उसको डांटो तुरंत, नालायक कहेंगे, अंधे हो तुम, कलर ब्लाइंडनेस है तुमको। भैया कह रहा भैया पूरा व्हाइट है।
मजा लो। जब तुम जानते हो सामने वाला गलत बोल रहा हो, सपोर्ट करते हो, मजा बहुत आता है। तुम्हारा 1000 करोड़ रुपया फंस गया, उड़ा दो, फिर तो मतलब ही नहीं। लड़ाई तो जरूर लड़ो, लड़ने के लिए तैयार रहो, एक एक एयरगन खरीद लो और दिन में 4-5 बार सामने बैठ कर निशाना लगाया करो, कोई नाम भी लिख लो 2-4, देखना एक हफ्ते बाद कितना मोमेंटम रहेगा तुम्हारे दिमाग में, मजा आएगा तुमको। तलवार ले आओ, एक एफजी खरीद लो नकली सी, डाल दिया करो दिन में एक बार, सब मजा आएगा तुम्हें, सब एंजॉय किया करो, पढ़ो दिन भर। तुम सोचते हो कि मकान मालिक ने मुझको गाली दे दिया था 4 लड़कों के सामने, रास्ता है। When you are moving on the way and that too silently and peacefully, कोई पत्थर मार देगा, कोई पीछे से भाग जाएगा, कहके चोर तुम पलटे पीछे, लड़ाए उसको, वो जीत गया, ले गया तुम्हें काफी पीछे तक। देखते रहो, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, बगल वाले तुमसे कहें चोर कह रहा है, हाँ इसके घर में कोई लेडी गायब होगी है ना, तो सिर्फ पैसे ही थोड़ी चुराया जाता है। कहने दो यार, तुम सबको प्रूव करना चाहते हो हर मोमेंट पे, गलत बात है। जंगल में रहो, मजा लो 14 साल।